Hello everyone, myself Dr. Daksh Mahajan. I am the consultant urologist and kidney transplant surgeon associated with Amandeep Group of Hospitals. हमारी जो पिछली सीरीज जो चल रही है मिथ्स एंड फैक्ट्स के रिगार्डिंग, उसमें हमने लास्ट टाइम जो मिथ ब्रेक किया था वो था किडनी स्टोन्स में बियर का सेवन करना चाहिए कि नहीं। उसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट हम किडनी स्टोन्स के ही रिलेटेड नया मिथ लेके आए हैं और उसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। वो मिथ ये है कि जब भी पेशेंट्स को स्टोन्स डिटेक्ट होते हैं तो मोस्ट लाइकली उन्हें यही बताया जाता है कि ये कैल्शियम रिलेटेड स्टोन्स है, जो कि सही बात भी है कि ज़्यादातर जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम से ही बनते हैं। तो पेशेंट्स क्या करते हैं या उन्हें क्या कई सलाह देते हैं कि अपने डाइट में कैल्शियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पनीर, दही, दूध, वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, उसको मत लीजिए, ताकि कैल्शियम अगर अंदर जाएगा नहीं तो स्टोन्स नहीं बनेंगे। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही गलत धारणा है। होता क्या है कि जो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं वो सिर्फ कैल्शियम के नहीं बनते, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स जुड़ते हैं कैल्शियम के साथ, जैसे कि ऑक्सलेट्स या फॉस्फेट्स, तब जाके स्टोन फॉर्मेशन होती है। और जब हम कैल्शियम प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं अपनी डाइट में तो ऑक्सलेट्स और फॉस्फेट्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है हमारे शरीर के अंदर वो बढ़ जाती है, जिससे कि स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम तो शरीर जो है वो हड्डियों से भी निकाल लेता है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ सलाह दे कि कैल्शियम के प्रोडक्ट छोड़ दीजिए तो वैसा नहीं करना है। नॉर्मल डाइट में हमने कैल्शियम इनटेक नॉर्मल रखना है, दूध, दही, पनीर, इसके जो सेवन है वो अवश्य करते रहना है। बहुत ज़्यादा नहीं ही मैं कहूँगा, पर नॉर्मल डाइट में जितना चाहिए उतना सेवन इनका, इन पदार्थों का अवश्य कीजिए। सेकेंड जो होता है मेरा हमेशा से फंडा है कि किडनी स्टोन्स बने हैं तो अपनी पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और मिथ लेके आएंगे और उसको ब्रेक करेंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।